हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिज्ञान केडी में। और आज हमारा फिर से अगेन टॉपिक है रीनल सिस्टम डिसीज़। ठीक है फ्रेंड्स, हमने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रीनल सिस्टम की क्रॉनिक डिसीज़ लेके आएंगे, तो आज हम वही पढ़ेंगे, रीनल सिस्टम की क्रॉनिक डिसीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनाटॉमी तो हमने अपनी पहली वीडियो में ही समझ ली थी पूरी, कि यहाँ से हमारा ब्लड आता है आर्टरीज और वेंस से, नेफ्रॉन से वो फिल्टर होता है, देन यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, यूरेटस के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको अगर रीनल सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में और अच्छे से समझना है तो आप हमारी पहली वीडियो जाके देख लीजिए, उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक रीनल फेलियर डिसीज़। ठीक है, CRF इज स्लोली प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शंस ओवर ऑफ पीरियड ऑफ द मंथ्स और ईयर्स। ये डिसीज़ कैसी है? ये डिसीज़ धीरे धीरे हमारे किडनी के फंक्शंस को फेल करती है, और कितना मतलब ओवर अ पीरियड, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये चलती है, मंथ्स और ईयर्स तक चलती रहेगी, धीरे धीरे हमारी किडनी के फंक्शंस को डैमेज कर देगी। ठीक है फ्रेंड, और इसमें सबसे ज़्यादा काम किसका है? ग्लोमेरुल्स का। ग्लोमेरुल्स किसके अंदर बताए थे हमने? नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुल्स। तो इस डिसीज़ में सबसे ज़्यादा वर्क किसका है? नेफ्रॉन्स का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके कॉजेज देख लेते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंशन, ये ग्लोमेरुल से रिलेटेड है। हमने पहले ही बताया था कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो किससे रिलेटेड होंगे? हमारे सारे ग्लोमेरुल से। और ये डिसीज़ मेनली हमारी किडनी डिसीज़ नहीं होती, मतलब किडनी के कारण ये डिसीज़ नहीं है, किडनी अपने कारण फेल नहीं होती। हमारी बॉडी में अगर कोई और डिसीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है हमें, या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट है, उसके कारण हमारी किडनी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। किडनी अपने कारण फेल नहीं होती, कोई और अदर डिसीज़ है हमारी बॉडी में जिसके कारण हमारी किडनी फेल हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर, सेकेंडरी ग्लोमेरुलर, एंड थर्ड ब्लड प्रेशर। हमने पहले बताया था इसमें मेन वर्क किसका है? ग्लोमेरुलर का है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो ग्लोमेरुलर फर्स्ट वाला हम देखते हैं। ग्लोमेरुलर ब्लड सीरम इज इफेक्टेड, मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड सीरम है, ब्लड के अंदर जो सीरम प्रेजेंट है वो इफेक्टेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ब्लड कम्स इनटू द किडनी फॉर द फिल्ट्रेशन। जो हमारा ब्लड है वो कहाँ आता है फिल्टर होने के लिए? किडनी में आता है फॉर द फिल्ट्रेशन। देन दैट इफेक्टेड ब्लड ऑल्सो हार्म द ग्लोमेरुलर बाय द क्रॉनिक डिसीज़। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ये इफेक्टेड ब्लड है ये हमारे ग्लोमेरुलर में आएगा और वो ग्लोमेरुलर को भी क्या कर देगा? हार्म कर देगा बाय क्रॉनिक डिसीज़, मतलब धीरे 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 इसकी प्रोसेस चलेगी। अब ऐसे तो होगा नहीं एकदम वो आया और एकदम इफेक्टेड कर देगा, क्योंकि हमारे ब्लड, जो हमारा ब्लड है वो भी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो बार बार हमारे ग्लोमेरुल्स में आएगा फिल्टर होने के लिए, और धीरे धीरे हमारी ग्लोमेरुल्स को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। और सेकंड है हमारा सेकेंडरी ग्लोमेरुलर, ये क्या होता है? सच एज डायबिटिक पेशेंट आर इन्वॉल्व इन द डिसीज। जो डायबिटिक पेशेंट है उनके कारण क्या होता है? सेकेंडरी ग्लोमेरुलर, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट होंगे उनके जो उनका उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होगा, और जब वो ब्लड हमारे किडनी में आएगा फिल्टर होने के लिए, तो वो ग्लोमेरुल से फिल्टर होगा नेफ्रॉन के अंदर, तो बार बार जब वो हाईली ग्लूकोज लेवल ब्लड जब हमारे किडनी के अंदर ग्लोमेरुल्स में जाएगा, तो बार बार वो क्या करेगा? ग्लोमेरुल्स को इफेक्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करेगा। वो कभी वो प्रोसेस कभी तक भी चल सकती है, एक साल दो साल बाद हमें पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ, हमारे ग्लोमेरुल्स इफेक्टेड हैं और वो डैमेज हो गए। थर्ड है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किससे क्या होता है? जब अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हमें हाइपरटेंशन हुई, तो क्या होगा? हमारा हार्ट जो है वो तेज़ी से काम करना शुरू करेगा। अब तेज़ी से काम हार्ट करेगा तो वो ज़्यादा ब्लड प्योरीफाई करेगा, ज़्यादा ब्लड प्योरीफाई होगा तो ज़्यादा ब्लड फिल्टर होने के लिए हमारी किडनी में आएगा। अगर एक लेवल होता है, अगर एक मीडियम लेवल से ज़्यादा हमारे किडनी में ब्लड आ रहा है फिल्टर होने के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो हमारे ग्लोमेरुल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, उनमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। कंडीशन ऑफ CRF,
इसकी कंडीशन क्या है, मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड है। दिस डिसीज इज टोटली बेस्ड ऑन द नेफ्रॉन्स। हमने पहले ही बता दिया ये डिसीज पूरी की पूरी किसके ऊपर बेस्ड है, नेफ्रॉन्स के ऊपर बेस्ड है, जिनके अंदर क्या होते हैं ग्लोमेरुल्स, जो क्या काम करते हैं फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे सीआरएफ का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीआरएफ एंड एआरएफ। एआरएफ आप समझ नहीं रहे होंगे, एआरएफ अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, एआरएफ एक्यूट रीनल फेल्यूर, ठीक है फ्रेंड्स, जो एकदम से हमें डिसीज होती है उसे बोलते हैं एक्यूट रीनल फेल्यूर। चलो अगर आपको ये समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी अपनी लिंक दी है, वहाँ जाके आप देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीआरएफ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें डिफ्रेंशिएट पता हो कि क्या है सीआरएफ में और एआरएफ में, ठीक है फ्रेंड्स। पहले तो हमें डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ेगा सीआरएफ और एआरएफ में। सेकंड है हमारा, इन द एआरएफ द साइज ऑफ किडनी इज नॉट चेंज, बट इन सीआरएफ द साइज ऑफ किडनी बिकम स्मॉल एज कम्पेयर टू नॉर्मल किडनी। हमारा सीआरएफ में क्या होता है कि जो साइज है हमारी किडनी का, नॉर्मल जो साइज होता है उससे वो चेंज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रॉनिक रीनल फेल्यूअर डिसीज़ है, ठीक है फ्रेंड। और जो एक्यूट रीनल फेल्यूअर है उसमें साइज चेंज नहीं होता, ठीक है। और एआरएफ इज़ रिवर्सेबल बट सीआरएफ इज़ इरिवर्सेबल। इससे आप क्या समझ रहे हैं, एआरएफ जो एक्यूट रीनल फेल्यूअर डिसीज़ है हमारी वो रिवर्सेबल है, मतलब हो जाएगी, एकदम हमें डिसीज़ हुई सडनली हमें पता चला, ठीक है, वो एक ड्रग्स लेंगे हम, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन वो दोबारा जनरेट हो जाएगी। जो सीएसएफ है वो इरिवर्सिबल है, ये पूरी तरीके से कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ख़त्म नहीं होगी तो, अगर ख़त्म नहीं होगी तो दोबारा रिवर्सेबल कैसे होगी, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार हो गई तो फिर दोबारा ख़त्म नहीं होगी, 0.1% ये हमेशा बची ही रहेगी, पूरी तरीके से 100% ख़त्म नहीं होगी। अब फ्रेंड्स हम ये पता कैसे लगाएंगे कि हमारी किडनी का साइज कैसा है, तो वो हम नॉर्मली सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह करा सकते हैं, जिससे हमारी किडनी का साइज पता चल जाएगा कि वो छोटा है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम थेरेपी कराएंगे, किस स्टेज में कराएंगे, एंड स्टेज रीनल डिसीज ESRD। इसका मतलब क्या होता है कि जब एंड स्टेज में हमारी रीनल डिसीज़ आ गई, और जो ये क्रोनिक डिसीज़ है, जिसका मतलब ही क्रोनिक डिसीज़ है, वो तो वो लास्ट स्टेज में या सेकंड लास्ट स्टेज में जाके पता चलती है, तभी तो उसे क्रोनिक बोल रहे हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे हो रहा है वो काम तो उसका पता नहीं चलता, ठीक है फ्रेंड। सेकेंड है कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किसके कारण होती है, ब्लड प्रेशर के कारण होती है। थर्ड है हमारा ट्रीटमेंट टू मेन डिसीज़ हु फेल द किडनी। और हमने बताया कि ये किसी फॉरन, जो हमारी बॉडी में किडनी डिसीज़ से नहीं हो रही, जो कोई अलग डिसीज़ है हमारी बॉडी में, उसके कारण हमारी किडनी फेल होती है। तो सबसे पहले तो हम उस डिसीज़ का ट्रीटमेंट कराएंगे जिसके कारण हमारी किडनी फेल हो रही है, ठीक है फ्रेंड। और फोर्थ है हमारा रीनल रिप्लेसमेंट। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, या तो रिप्लेसमेंट कराओ या फिर ट्रांसप्लांट कराओ अपनी किडनी का, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, रीनल सिस्टम डिसीज़। आज हमने रीनल सिस्टम की क्रोनिक डिसीज़ पढ़ी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारी इस वीडियो में कोई मिस्टेक लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट अस, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छी और नई वीडियोस बनाते रहें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। ओके फ्रेंड्स।